वपाए झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। किसान ब्रिगेड के बैनर तले अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड के सोनबरसा स्थित बेस कैंप पर शुक्रवार को तीसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा, मगर अभी तक कंपनी प्रबंधन की ओर से मांगों की पूर्ति को लेकर वार्ता की पहल नहीं हो सकी है। इस पर किसान ब्रिगेड के संरक्षक कर्नल डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कंपनी शशिकांत सिंह के आश्रितों को मांग के अनुरूप मुआवजा राशि का भुगतान सहित अन्य मांगों को पूरा नहीं करती है। हम यहां से तस्मस होने वाले नहीं है। उनकी अन्य मांगों में कंपनी के सारे कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई का सदस्य बनाने और इससे मिलने वाली सुविधा जैसे दिव्यांगता पेंशन आकस्मिक उपचार राशि मृत्युपरांत आश्रितों को मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने कारपोर्ट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत पानी का छिड़काव स्थानीय सड़कों की मरम्मत जैसी मांगों को पूरा करना शामिल है। गौरतलब है कि मोहम्मदगंज प्रखंड अंतर्गत सोनबरसा गांव निवासी शशिकांत सिंह इसी कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था, जिनकी मृत्यु कंपनी के काम करते हुए मोटर एक्सीडेंट में 9 महीने पहले हो गई है। लेकिन कंपनी ने वादा करके मृतक या उसके आश्रित परिवारों को अभी तक कोई मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, न ही करने के मूड में है, बल्कि मृतक के आश्रित परिवार के मुआवजा राशि मांगने पर तानाशाह रवैया के साथ दुर्व्यवहार और केस में फंसाने की धमकी दी जाती रही है। इस मामले की जानकारी होने पर मृतक के आश्रित को मुआवजे की मांग को लेकर किसान ब्रिगेड के संरक्षक कर्नल डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने किसान ब्रिगेड के बैनर तले बीते बुधवार से बेस कैंप में तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है।